हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जब भी मैं कोई रेसिपी डालूं आपको नोटिफिकेशन आए। तो फ्रेंड्स, आज है बसंत पंचमी, तो सभी को हैप्पी बसंत पंचमी। और आज मैंने बनाया है लेमन राइस। और लेमन राइस क्योंकि येलो कलर होता है तो हम बनाते हैं बसंत पंचमी पे। और आप जर्दा पुलाव भी बना सकते हैं, उसकी रेसिपी मैंने कल दिया था, आप उसको देख सकते हैं। जर्दा पुलाव भी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये लेमन राइस एकदम सिंपल और एकदम फास्ट बनाया है। तो चलिए बताती हूँ मैंने कैसे बनाया है। तो लेमन राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पानी लिया था, उसको भगोने में डाल के उसको गर्म कर दिया। जब पानी गर्म होने लगा तो उसमें मैंने जो राइस भिगोया था वो राइस मैंने यहाँ पे एक कटोरी राइस लिया है मैंने, और इसको बीच में हिलाते हुए और हमें पका लेना है। तो ये राइस हमें पक गए हैं और बहुत अधिक गलाना नहीं है, देखिए इस तरह का होना चाहिए। और उसके बाद इसको हम एक छन्नी में छान देंगे, और छानने के बाद फिर हम बनाएंगे लेमन राइस को। तो यहाँ पे देखिए मैंने छन्नी से छान लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम डालेंगे घी, आप ले सकते हैं और रिफाइंड भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो यहाँ हम सबसे पहले मूंगफली को फ्राई कर लेंगे, और यहाँ पे हम मूंगफली ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, काजू बादाम भी ले सकते हैं। ये हमने राइस लिया, ये मैंने लिया है लेमन। और अब गरम ऑयल में हम राई को डाल देंगे, और आप करी लीव को डाल देंगे, और उसके बाद इसको हिला लेंगे। यहाँ पे आप चना दाल और उड़द दाल को भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है क्योंकि वो नहीं पसंद करते हैं। आप लेमन राइस में ज़रूर पड़ता है, तो आप ज़रूर डालिए चना दाल 1 स्पून उड़द दाल। और यहाँ पर ग्रीन चिली, आप रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने साल्ट ऐड किया है, और जब हम राइस बनाते हैं उस टाइम भी आप थोड़ा साल्ट ऐड कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैंने पिंच ही हल्दी ऐड किया है, और अभी आपको ये हल्दी कम लग रहा है क्योंकि इसमें जब हम लेमन जूस डालेंगे तो हल्दी एकदम से उभर के आता है, तो आप हल्दी की मात्रा कम रखिए, नहीं तो आपको ज़्यादा हल्दी हो जाएगा। तो देखिए आप एकदम परफेक्ट हो गया है। और इसको थोड़ी देर चलाने के बाद हमें तुरंत गैस बंद कर देना है, और जो हमने मूंगफली और उसको फ्राई किया है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और हमारा ये कलर एकदम अच्छा आ गया है। चलिए मैं सर्व कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने सर्व कर लिया है, और एकदम क्विक रेसिपी है, लंच बॉक्स रेसिपी है, कभी भी आप बना के खा सकते हैं, कुछ हल्का खाने का मन हो तो खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और जो बेल बटन है उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले मेरी जब भी रेसिपी मैं डालूँ।